दोस्तों जैसा कि आप प्रीव्यू में देख चुके हैं, वैसा जो अब इंस्टाग्राम पे वायरल चल रहा है सॉन्ग, उसी पे आज हम बनाने वाले हैं। तो अब वीडियो के लास्ट तक बने रहना है चैनल। वोट कर लेना है अपने एलाइट मोशन में, जो मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। एक प्रोजेक्ट ये होगा और ये प्रोजेक्ट ये दोनों प्रोजेक्ट को यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो अपना सॉन्ग बीट मार्क पे आ जाना है। सॉन्ग बीट मार्क पे आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा, जो आपका म्यूजिक है 70 सेकेंड का म्यूजिक रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आधा इफेक्ट में यहाँ पर डाल दिया हूँ, क्योंकि डालने में यहाँ समय लगता है, तो इसलिए वीडियो छोटा बनाए हैं, ठीक है। वीडियो छोटा बनाए इसलिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं इसी में सभी इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट पे आ जाना है। पहला यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ से फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। अपने फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आपने फ़ोटो को इस पर जाके इसके फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। सिंपली ये फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपने सेकंड बीट मार्क पे आ जाना है। सेकंड बीट मार्क पे भी फ़ोटो को फटाफट ऐड कर लेते हैं। यहाँ तक आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं, एक नीचे एक सेकंड बीट मार्क है, जो यहाँ पे रिपीट फ़ोटो, जहाँ तक आपका ये लेयर दिख रहा है, ये लेयर आपको दिख रहा है, वहाँ तक आपको रिपीट फ़ोटो यानी तीन गो फोटो लेना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों पर आपको एक ही फ़ोटो को यहाँ पर ऐड करना है, और ये फ़ोटो यहाँ तक ऐड करना है जो मेरा से बीट मार्क दिया हुआ है वो। तो आपको तीन तीन फोटो तीन बीट मार्क पर यहाँ पर ऐड कर लेते हैं फटाफट। यहाँ तक फ़ोटो को ऐड कर लिया, जो यहाँ पर ये लेयर है वो यहाँ पर तीन फ़ोटो को यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाना है इस लेयर पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी एक लेयर है, जो यहाँ पर इमेज को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इमेज JPG फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ से फ़ोटो को ऐड कर लेना है ऐसे, ठीक है। फ़ोटो को ऐड कर लेना है, इसको ऐसे रहने देना है इसको। और यहाँ पर इमेज पे आ जाना है। इमेज पे आने के बाद इसको यहाँ से इमेज को लेकर इसको बंद कर देना है। करने के बाद यहाँ से आपको मेन टॉपिक पे आ जाना है। मेन जो यहाँ पे मेरा इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे सभी को यहाँ पर आपको इसको ऑन करके मैं दिखा देता हूँ, जहाँ जहाँ आपको इमेज लगेगा और जहाँ आपका ये सॉन्ग का गन रहेगा वो यहाँ पर लगेगा। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका जो इमेज रहेगा, जो गन का यहाँ पे रहेगा, वो यहाँ पे गन का यहाँ पर देख सकते हैं पिक, जो ऑलरेडी आपको इफ़ेक्ट में मिलेगा। तो यहाँ पर गन का इफ़ेक्ट और दो गन का इफ़ेक्ट आपको डाल देना, ठीक है। दो साइड में आपको गन का इफ़ेक्ट डाल देना है। तो मैं यहाँ पर गन के इस पे जाके यहाँ से आपको इफ़ेक्ट को डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद इसको बैक कर देना है, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं ताकि मोबाइल मेरा लैग ना करे। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको इमेज को ऐड कर लेना है, तो मैं फटाफट इमेज को ऐड कर लेता हूँ। ये वीडियो बहुत छोटा बनाया है, ठीक है, छोटा इसलिए क्योंकि आप लोग का यहाँ पे समय बचे। चलिए, यहाँ पे जो मेरा इमेज है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसमें सिर्फ इफेक्ट डालना, जो मेरा वो इफेक्ट था यहाँ पे, जो यहाँ पे जो मैं यहाँ पर इफेक्ट दिया था, जो बीच में एक लेयर के ऊपर इफेक्ट डालना है। यहाँ पे ये लेयर है ना, इसके ऊपर यहाँ पर इफेक्ट डालना है, जो कौन सा इफेक्ट डालते हैं। चलिए, यहाँ पर इसको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो आपका इफेक्ट का लेयर यहाँ पर इंपोर्ट किए हैं, ये वाला लेयर,
इस लेयर पे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट लेयर को इसको कॉपी कर लेना है। करने के बाद उसी में चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आज वो दोनों को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद उस इफेक्ट पर जो आपको लेयर करना है तो यहाँ सेकंड को यहाँ से कॉपी कर लेना है, सेकंड लेयर को। और सबसे लास्ट में आ जाना है, सबसे लास्ट में आने के बाद जो मेरा फर्स्ट इफेक्ट है उसको यहाँ से वो पेस्ट कर देना है। एक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट करके इसको हाइड कर देना है, और एक हमको यहाँ पे कर देना है। इसको यहाँ से होने के बाद फिर से जाओ, फिर से इसको फिर आपको थर्ड वाला इफेक्ट हो यहाँ से, ये जो इफेक्ट है थर्ड वाला इफेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है। बैक कर देना, कॉपी करके आप उसी इफेक्ट में जाके सबसे आपको लास्ट में चले जाना है। सबसे लास्ट में जाने के बाद जो मेरा यहाँ पे इफेक्ट है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे मेरा जो इफेक्ट है वो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, वो जो इफेक्ट मेरा था वो यहाँ पर ऑलरेडी मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ पहले से, वो इफेक्ट को यहाँ से पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक गैजेट में जाना है। जाने के बाद इसको यहाँ से रेड कर देना है। ठीक है, यहाँ से मेरा जो वीडियो है वो यहाँ से रेडी हो चुका है। ठीक है, मेरा जो यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार और चुका है। और इस इफेक्ट में बनाने के लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं।